निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावक, सरकारी स्कूलों में करा रहे बच्चों के दाखिले, सरकारी स्कूलों में बढ़ी छात्रों की संख्या। एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन के चलते लोग अपनी नौकरियां खोकर बैठे हैं, आय के साधन और स्रोत खत्म हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी निजी स्कूलों की मनमानी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। निजी स्कूल संचालकों की फीस को लेकर मनमानी से परेशान अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूलों में करवाने शुरू कर दिए। सोनीपत के गांव शहजादपुर में इसका खासा असर दिख रहा है। इस बार सरकारी स्कूलों में होने वाले दाखिले में काफी इजाफा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव जाकर स्कूल प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहा है। कोरोना महामारी में न केवल बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ा, बल्कि निजी स्कूलों की मनमानी के चलते भी जो अभिभावक हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जहां काफी महंगी जो फीस है वो निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही है, ऐसे में जो है अब हालात ये हैं, निजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। और एक तस्वीर जो है सोनीपत के गांव शहजादपुर में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सामने आई है, जहां पर काफी संख्या में पिछले साल की तुलना में एडमिशन में इजाफा हुआ है। 6ठी से 12वीं तक के अलग अलग क्लासेज में काफी बच्चे जो है अपना एडमिशन करवा रहे हैं। वही जो स्कूल का प्रशासन है, टीचर है, वो भी लगातार गांव-गांव जाकर बच्चों की संख्या में इजाफा हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक वक्त था जब अभिभावक सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने से कतराते थे, लेकिन अब जिस तरह से निजी स्कूलों ने मनमानी शुरू कर दी उसके बाद अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया है। मेरा नाम सुषमा है, मैं जिसके पापा जी प्राइवेट जॉब की, अभी ये शिक्षा उसकी कोरोना की उसके जून की उसकी जॉब भी छूट गई थी पापा की, और प्राइवेट स्कूल वाले जी उसके स्कूल सर्टिफिकेट के जी पैसे बहुत ज़्यादा मांगे थे। तो जी हमने सोचता अपने इस बच्चे इस लड़की का फैसला ये जी एडमिशन यहीं पर करवाना था, दाखिला यहीं करवाऊंगी जी। शहजादपुर से आया जी, मेरा लड़का मालवीय स्कूल में पढ़ता है, वहाँ मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, वहाँ फीस ज़्यादा मांग रहे हैं, फीस वहाँ मैं दे नहीं पा रहा लॉकडाउन के चलते, और वे कह रहे हैं जी फीस लेने के ले वगैरह हम वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो अभी ये लॉकडाउन में कहाँ से पैसे लाएं जी, क्या करें। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई ही हो रही थी और सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन निजी स्कूल फीस पूरी मांग रहे हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को सही से पढ़ा रहे हैं। फीस की बात करें तो फीस भी कुछ नहीं है। मेरा पोता पोती पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब कोरोना की मार के कारण उनको वहाँ इतनी फीस दी नहीं जाती, अब उनको यहाँ सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया, और यहाँ ऑनलाइन काम इनका यहाँ से आता है, उनका भी ऑनलाइन आता है, बढ़िया टीचर है, सारा काम बढ़िया चल रहा है, यहाँ तो कोई भी फीस नहीं है, पर वहाँ तो 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं गाड़ी के समेत। जहाँ एक तरफ निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि स्कूल प्रशासन की डोर टू डोर मेहनत का भी नतीजा है कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। शहजादपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि उनकी तरफ से की गई मेहनत रंग लाई है और उनके स्कूल में पिछले साल के मुकाबले बच्चों के दाखिलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। हमने बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया, 5-6 बार सैदपुर गांव में गए, सांदल खुर्द में गए, थर्या गांव में भी गए, लोगों का रुझान बहुत ही अच्छा आया। पिछले साल की अपेक्षा हमारे जो है छात्र भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने सर्वे किया उसका हमने बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा है, साथ ही बच्चों को किताबें भी दी जाती हैं। इस बार किताबें अभी तक बच्चों को नहीं मिली, जिसके लिए स्कूल की तरफ से किताबों का आदान प्रदान करके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि सरकारी स्कूल में जो है फीस बिल्कुल ही नामात्र है, 9वीं से 12वीं तक, 1ली से 8वीं तक तो है ही नहीं, और उसके बाद 1ली से 8वीं तक की सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में है। तो वहीं स्कूल में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षक भी पहले की तुलना में ज्यादा मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों की स्ट्रेंथ प्राइवेट से यहाँ बढ़ रही है, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अच्छे से और भी ज्यादा लगन से बच्चों को पढ़ाएंगे। संख्या कम होती थी सर, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, अब हमारा इतना अच्छे से मन लग रहा है, जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, हमारे को बहुत ही अच्छा लग रहा है।
एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब अभिभावकों ने अपने बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूलों में कराने शुरू कर दिए हैं। ये बात सही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर काफी लापरवाहियां बरती जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से अभिभावक सरकारी स्कूलों का रुख कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद सरकारी स्कूलों को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ऐसे में सोनीपत का सरकारी स्कूल सजादपुर गांव का उदाहरण बनकर पेश हुआ है और यहां पर जो अभिभावकों से कहकर टीचरों ने जो है पुस्तकों का आदान प्रदान करवाया है और बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से आड़े ना आए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। और लगातार एक तरफ जहां बच्चों के एडमिशन जो सरकारी स्कूल में बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुस्तकों का आदान प्रदान करके महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोनीपत से एसटीवी हरियाणा न्यूज के लिए राम सिंह मार।